इस बार के लोकसभा चुनाव में दिव्यांग मतदाताओं पर प्रशासन की विशेष नज़र है। इसका जायजा लेने के लिए पटना प्रमंडल के कमिश्नर आरएल चोंगथू बुधवार को बक्सर पहुंचे। समरणालय आने पर उनका गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया गया। अधिकारियों के साथ लंबी बैठक में पटना से बक्सर आने के क्रम में वे नया भोजपुर एवं अन्य कुछ बूथों पर रुके। डुमरावन मंडल प्रशासन एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी राघवेंद्र सिंह ने पहले से इसकी तैयारी कर रखी थी। वहां मतदाताओं को एकत्रित किया गया था। कमिश्नर आरएल चोंगथू ने उनसे बात की, किसी तरह की उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है। मतदाता पहचान पत्र सभी लोगों को प्राप्त हो चुका है या नहीं? देखिए, वैसे तो जनरल गाइडलाइन तो हर इलेक्शन की तरह इस बार भी प्राप्त हुआ है चुनाव आयोग द्वारा, लेकिन विशेष रूप से आज मैं एक्सेसिबिलिटी ऑब्जर्वर के रूप में आया हूँ। इस बार चुनाव आयोग द्वारा सभी प्रमंडलीय आयुक्तों तो एक्सेसिबिलिटी ऑब्जर्वर के ड्यूटी दिया गया है, और उस हैसियत से आज भी हमने इस ज़िला में आए हैं। इसका तैयारी जिला प्रशासन द्वारा क्या किया गया है और निरीक्षण भी किए थे, कुछ बूथ भी देखने को मिला आज, और फील्ड विजिट्स किए हैं, और चुनाव आयोग के माध्यम से इंस्ट्रक्शंस मिला है कि पीपल विद डिसेबिलिटीज़ जो दिव्यांग मतदाता हैं उनको हर प्रकार का सुविधा उपलब्ध कराना है। जैसे कि जो लोग फिजिकली दिव्यांग हैं उनको व्हीलचेयर उपलब्ध कराने हैं जहाँ जहाँ जो ज़रूरत है, तो उसका आकलन किया जा रहा है जिला प्रशासन द्वारा। उसी तरह जो दृष्टि बाधित लोग हैं उनको ब्रेल का एपिक और मतदाता पर्ची छपवाना है, जिसका भी तैयारी किया जा रहा है। और उसी तरह हर तरह का सुविधा, जैसे रैंप होगा, रेलिंग होगा, शौचालय भी उन वैसे लोगों के लिए जो यूज़ करने लायक होना है, जो रेलिंग होना चाहिए, रैंप होना चाहिए, इस तरह का तैयारी किया जाना है। और ये सारी सुविधा सुनिश्चित करने के लिए हम लोग को ड्यूटी दिया गया है, और उस ड्यूटी के आलोक में हम भी आज यहाँ पे बक्सर जिला में आए हैं और इसका रिव्यू किए थे जिला प्रशासन के साथ। करीब 7027 ऐसे PWD इलेक्टर्स हैं, पीपल विद डिसेबिलिटीज़, और चूँकि अभी फॉर्म 6 लिया जा रहा है, हो सकता है कुछ ये फिगर और भी बढ़ेगा थोड़ा बहुत। और फील्ड में हर प्रकार का जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है उसमें ये बिंदु पर, इस बिंदु पर भी फोकस दिया जा रहा है इस बार कि जो लोग डिसेबल्ड या जो फिजिकली चैलेंज हैं उन लोगों के लिए विशेष रूप से ध्यान दिया जाना है, और आवश्यकता पड़ने पर उनको मतदान केंद्र तक लाने का भी चुनाव आयोग द्वारा इस बार निर्देश दिया गया है। तो उसका अनुपालन और व्यवस्था के लिए हम लोग अभी तैयार कर रहे हैं। इंटरस्टेट बॉर्डर पे है ये कॉन्फ्रेंसिस है, इसको लेकर के क्या है? देखिए, इंटरस्टेट की बात तो जहाँ तक है DM साहब ने कर लिए भी होंगे मीटिंग अपने काउंटर पार्ट के साथ, और जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ऐसे मामले में लोकसभा चुनाव में, और चूंकि ये लोकसभा चुनाव है तो ये देश भर में हो रहा है, भले वो फेज़ अलग अलग होगा, लेकिन जो भी चेक पोस्ट बनाना है ये सारा तैयारियां सब कर लिया गया है। और ख़ास करके हमारे स्टेट में तो चूंकि वो प्रोहिबिशन भी लागू है, तो उस दृष्टिकोण से भी ज़्यादा अलर्ट होना पड़ रहा है। और अभी जिला में सब चालू हो गया है, नाकाबंदी और ये सब चेक पोस्ट, और कुछ कुछ सीजर भी हुआ है, कैश भी सीजर हुआ है, तो इस तरह से काम अब चालू हो गया है जनवरी से। सब बूथों पर अक्सर देखा गया है कि या जो भी है वो अवेलेबल किया जाना है, प्रावधान किया गया है चुनाव डिपार्टमेंट के द्वारा, और ये किया भी जाएगा। और उसी तरह बिजली का भी जोड़ना है, जहाँ लाइन नहीं पहुँच रहा है तार बिजली का, वहाँ पे जनरेटर भी दिया जाना है, वो जो हम लोग करेंगे।
सर इस बार देखा जा रहा है कि काफ़ी जगहों से वोट बहिष्कार की बात आ रही है, तो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए मतदान को संख्या बढ़ाने के लिए देखिए बहिष्कार करने का राइट भी है उन लोग का, लेकिन हम लोग तो बिल्कुल प्रयास करेंगे कि वो बहिष्कार ना करें और वोट दें, क्योंकि उनका अपना ड्यूटी भी बनता है नागरिक के हैसियत से। वो ठीक है, वो तो स्वतंत्र भी है, अगर किसी को जबरदस्ती नहीं हो सकता है, अगर वोट डालना नहीं चाहता है, लेकिन हम लोग तो जागरूकता कैंपेन तो